गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान। ट्वेल्थ इंग्लिश 2.2 द इंडियन व्यूवर्स आइस ब्रेकर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आपका हमारा वीडियो पसंद आता होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आइस ब्रेकर्स। आर्टिजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्राफ्ट्समैन। आर्टिजन्स को क्राफ्ट्समैन भी कहते हैं। दे आर क्रिएटर्स ऑफ डाइवर्स गुड्स एंड यूज देयर हैंड्स टू क्रिएट यूनिक फंक्शनल एंड ऑल्सो डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स। आर्टिजन्स क्या होते हैं? ये क्रिएटर्स होते हैं, डाइवर्स गुड्स को तैयार करते हैं उनके हाथों का इस्तेमाल करके, और वो डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाते हैं जिसमें ट्रेडिशनल टेक्निक का काम इस्तेमाल करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिजन्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गोल्ड स्मिथ। चलिए देखेंगे और एग्जाम्पल्स क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिजन्स की। गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, कॉबलर, कॉबलर यानी मोची, कारपेंटर यानी फर्नीचर बनाने वाला, बेकर यानी बेकरी के आइटम बनाने वाला, टेलर यानी दर्जी, वीवर यानी जुलाहा। डिस्कस विथ योर पार्टनर द सीजन्स एंड ओकेशंस व्हेन वी नीड। अब हम ये यहाँ पर कुछ क्लोथ्स के बारे में जिक्र है, हमें इसकी ज़रूरत कब होती है। पहले वूलन क्लोथ्स, उसके बाद कैजुअल क्लोथ्स, रिच सिल्क क्लोथ्स, कलरफुल कंफर्टेबल क्लोथ्स। पहला है वूलन क्लोथ्स यूज्ड इन विंटर सीजन टू वार्म आवर बॉडी। वूलन क्लोथ्स का हम सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जिस्म गर्म रहे। कैजुअल क्लोथ्स यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एट होम फॉर लीजर एंड रिलैक्सेशन। कैजुअल क्लोथ जो होते हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आराम से रह सकें। रिच सिल्क क्लोथ्स यूज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स मैरिज सेरेमनीज। जो बहुत ज़्यादा कीमती महंगे सिल्क के कपड़े होते हैं उसे हम ज़्यादातर त्यौहारों में या फिर किसी शादी ब्याह की तकरीब में पहनते हैं। कलरफुल कम्फर्टेबल क्लोथ्स यूज ड्यूरिंग फंक्शंस, स्पेशल ओकेशंस एंड पार्टीज। रंग बिरंगे और आरामदा कपड़े कब पहनते हैं हम? जो कुछ ख़ास मौके के वक्त या फिर पार्टीज़ के वक्त। अब यहाँ पर एक गेम दिया गया है, यहाँ पर अलग अलग आपको पेशे के बारे में पूछा गया है, आपको वन वर्ड कहना है उनके बारे में। एक दिया हुआ है वन हु वीव्स इज़ अ वीवर। जो कपड़े बुनता है उसे क्या कहते हैं? बुनकर यानी जुलाहा कहते हैं। वन हु प्लेज अ गेम इज़ अ प्लेयर। वन हु सिंग्स इज़ अ सिंगर। वन हु डांस इज़ अ डांसर। वन हु टीचर्स इज अ टीचर। वन हु कुक्स इज अ कुक। देखिए यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल्स आंसर्स है, वन हु वीव्स इज अ वीवर, उसके बाद प्लेयर, सिंगर, डांसर, टीचर एंड कुक। उसके बाद है हमने गांधी जी, वी हैव ऑफन सीन द पिक्चर ऑफ गांधी जी स्पिनिंग ऑन इज चरखा। हमने गांधी जी का तस्वीर देखे जब अक्सर उन्होंने चरखा चलाते हुए। अब उसकी वजूहत क्या है वो लिखना है। टू गिव रूरल पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लेवलीहुड। के ग्रामीण भारत के यानी देही इलाकों के लोगों को एक मौका दे सके ताकि वो अपनी जीविका चला सके अपनी ज़िंदगी की। चलिए उसके रीजंस ऑफ गांधी जी स्पिनिंग अ चरखा, इसके क्या रीजंस है देखते हैं। टू गिव रूरल पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न लिवलीहुड। टू प्रोपोगेट स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी तहरीक के प्रोपोगेशन के लिए भी उन्होंने इसे यूज़ किया। टू गिव इम्पोर्टेंस टू बी सेल्फ सफिशेंट, यानी किसी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए अहमियत देने के लिए भी यूज़ किया। वीविंग क्लॉथ वन सेल्फ इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। खुद से जब गांधी जी ने कपड़े बुनकर काम किया तो उससे लेबर की यानी कामगार की जो इज्जत है उसको बढ़ावा मिला। नेम सम टूल्स यूज्ड बाय द वीवर्स। आपको कुछ टूल्स यानी कि कुछ इक्विपमेंट्स के औजार के बारे में लिखना है जो वीवर्स यानी जुलाहे या बुनकर यूज़ करते हैं। एक दिया हुआ है लूम, आगे के लिखना है। नेम सम टाइप्स ऑफ यार्न्स यूज्ड बाय द वीवर्स। ये कपड़े की एक किस्म है और जो आप वीवर यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले टूल्स यूज्ड बाय वीवर्स, लूम, वीविंग यार्न, शेड स्टिक, सीजर्स, डॉवेल्स, टेपेस्ट्री, नीडल। उसके बाद में टाइप्स ऑफ यार्न्स यूज्ड बाय वीवर्स, लाइनन, फ्लॉस, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रैलिक, मेलांज एंड माओलिन। आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात।